ओके, आज नया सामयिक और प्रतिक्रम करने का है, तो दीपक दादा जय सच्चिदानंद, आज से 2 हफ्ते के लिए हम 10 मिनट का हर रोज जैसे संजोग है वैसे अलगपन के सामायिक के साथ 5वीं कलम वाणी संबंध, वाणी के संबंध में जो जो दोष हुए हैं हमारे, तो उसी का हम प्रतिक्रमण रखेंगे और दिन भर जब समय मिलता है तो उसी के पुरुषार्थ में रहेंगे। निमेचानंद जी हमारे बीच आए हैं तो हम उनसे विनती करते हैं कि वे 5वीं कलम के संबंध में, उन्होंने अपना बड़ा अच्छा पुरुषार्थ किया है, अभी करते रहते हैं, तो उनसे हम सुनेंगे। निमेचानंद जी जय कृपया बताएं। सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। मुख्य तो ये 5वीं कलम सभी युग में ये 5वीं कलम का अहम रोल रहा है। दादा भगवान ने केवल इतना ही कहा था कि अगर वाणी नहीं बिगड़ती तो ये महा भारत भी नहीं होता। महाभारत का युद्ध या महाभारत में एक दूसरे का दूसरों की हिंसा, हत्या और खून की नदियां बहनी, ये इतना बड़ा महाभारत हुआ कैसे? तो दादा भगवान ने कहा एक ही ऐसी वाणी निकली और वाणी का एक ही सेंटेंस ऐसा निकला कि महाभारत खड़ा कर दिया। जाने अनजाने में, हंसी मजाक में और किसी को नीचा गिराने में द्रौपदी से इतना ही निकला, आंधड़ाना पुत्र आंधड़ा। वो ऐसा एक महल बनाया था क्योंकि तब पांडवों के पास भी जगह नहीं था और उन्होंने ऐसा महल बनाया कि उस महल में जाते ही पहले खंड में जाओ तो पानी ही पानी लगे, मगर असल में पानी नहीं था। तब सब अपने कपड़े ऊपर ले ले क्योंकि पानी पानी लगे, और दूसरे खंड में पानी बिल्कुल न लगे, फिर भी दूसरे खंड में पैर रखते ही पानी ही पानी। तब उस टाइम में दुर्योधन और सभी इस महल में आए देखने के लिए, मिलने के लिए, क्योंकि उनके सभी भाई, सब भाई बंधु ही थे। 5 पांडव और 100 कौरव सभी एक रिलेशन में एक दूसरे के भाई होकर थे। जब दुर्योधन और उनके सभी भाई महल में मिलने आए तो पहले खंड में गए जहां पे पानी पानी लगा, तो सभी ने अपना वस्त्र ऊपर खींच लिया ताकि कपड़े गीले ना हो जाए। तब पानी था ही नहीं, दूसरे खंड में आए पानी जैसा कुछ भी दिखे नहीं, ऐसे ही चलते रहे और सीधे पानी में गिर गए। तब ऊपर से द्रौपदी का देखना और द्रौपदी का बोलना, क्योंकि उनके पिता धृतराष्ट्र अंधे थे और द्रौपदी ने बहुत बड़ी मजाक कर दी कि आंधड़ाना पुत्र आंधड़ा, अंधे का पुत्र अंधे, इतना एक ही सेंटेंस कहां तक लेके गया। तो कि इतना बड़ा द्वेष खड़ा हो गया, इतनी बड़ी बदले की भावना खड़ी हो गई कि किस तरह बदला चुका हूं। एक ही सेंटेंस में इतना बड़ा अपमान लगा सभी कौरवों को और खास करके दुर्योधन को। तभी उन्होंने ठान लिया अंदर से कि ये बदला मैं लेकर रहूंगा, ये बैर मैं बता के दिखाऊंगा। द्वेष खड़ा हो गया एक ही सेंटेंस में। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि जब सतयुग था तभी भी वाणी बहुत
बहुत ही तोल तोल के बोलनी चाहिए। दादा भगवान ने इस काल में कहा, तोलने की जरूरत नहीं है वाणी की कसर, वाणी का उपयोग में बहुत आप कसर ला दो, कम कर दो, जहां जितनी जरूर है उतनी ही वाणी बोलो, और उस वाणी में किसी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के प्रति या किसी व्यक्ति का उस वाणी में गलती के आधार पर अविनय करने में, जैसे हम खाना खाने बैठे हैं कि ऐसा क्या बनाया, ये खाने की चीज है, ऐसा खाना मुझे भाता ही नहीं है, क्यों बनाया, वाणी निकल गई। जिसने बनाया है उसको भी हमने आपने ठेस पहुंचा दी वाणी बोलकर, क्योंकि वाणी डायरेक्ट अपने अहंकार की पहचान करवाता है। खुला अहंकार, दादा भगवान ने कहा, तीर्थंकर भगवान की वाणी श्यादवाद, दादा भगवान की वाणी श्यादवाद, मगर हमारी वाणी, इसके लिए दादा भगवान ने पद भी कहा कि ये 6 महीने तक बोलते रहना, कंठे बिराजो हे दादा उचिरावो सवड़ी भाषा, सन्मुखे सरस्वती माता। बाद में क्या है दीपकानंद जी, सन्मुखे सरस्वती माता उतरावो मनवाणी भाषा। ये देखो प्रदीपानंद जी को पदों के प्रति इतना लगाव है कि आज भी वो कभी भी कहीं पे भी पद गा के अपना हृदय तीर्थंकर परमात्मा के पास, दादा भगवान के सामने अपना हृदय वो खोल के बैठते हैं। मगर वो हृदय खोलना मतलब इसी पद में पहले से ही प्रदीपानंद जी को पद और पद की ये सारी लाइन ऐसी है मुंह पर, तब ये दादा भगवान ने ये कंठे बिराजो ये दादा उचराओ सवड़ी भाषा, क्योंकि सरस्वती माता को एक विनंती की है कि हे सरस्वती माता आपकी कृपा से मुझे वाणी मिला है, और मुझे वाणी मिलने पर मैं सारा व्यवहार में वाणी का उपयोग मैं करता हूं, मगर हे सरस्वती माता वाणी का उपयोग मुझसे ऐसा हो जाता है कि अपनी अपने खुद की सुख के लिए अपने खुद के आनंद के लिए ज्यादा मेरी वाणी का उपयोग होता है, दूसरों की गलतियां और दूसरों की निंदा टीका करने में वाणी खूब ज्यादा उपयोग में आती है, और खुद की गलतियां छिपाने में भी बार बार गलतियों का पक्ष लेना, बार बार गलतियों के पक्ष में बैठना, उसका एक ही शस्त्र है मेरे पास वाणी। मगर जब दादा भगवान की वाणी सुने, तीर्थंकर भगवान की वाणी सुने, तो 34 टॉप क्वालिटी, टॉप क्वालिटी वाली 34 वो वाणी में ऑलरेडी उसमें आ चुके होते हैं। तीर्थंकर भगवान कहो या इस काल में दादा भगवान की वाणी कहो, क्योंकि दादा भगवान खुला कहते थे, मुआ कहे ना गोड़ कहे कुछ भी कहे तो भी सामने वाले को बहुत ही प्यारा लगे, बहुत ही अच्छा लगे। क्यों? तो कि उस वाणी में केवल जगत का कल्याण हो, सामने वाले का कल्याण हो, यही लक्ष्य में रहकर वाणी दादा भगवान की निकलती थी। उसके अलावा वाणी का उपयोग ना तो खुद के लिए, ना तो व्यवहार के लिए, ना तो किसी को नीचा गिराने के लिए। हमारी वाणी जब हम हमारे पास सत्ता होती है तो वाणी का दुरुपयोग हो जाता है। जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता है, हम कुछ भी बोलेंगे कैसा भी बोलेंगे तो भी सामने हमको रिएक्शन नहीं देंगे, तो हम हमारा पावर का मिसयूज हो जाता है। वाणी ये सुनने के बाद पता चलता है
कि हमारे भीतर कैसा ओपिनियन था, तब जाके वाणी ऐसे निकली, या तो ऐसे निकलने के बाद सुनने में आई कि भीतर कैसा ओपिनियन, अभिप्राय। जैसे खाने का अभिप्राय मैंने बताया, अभिप्राय में क्या था, तो कि मुझे ऐसा खाना पसंद है, ऐसा खाना पसंद है। और जैसे थाली में खाना आया, आपके ओपिनियन के विरुद्ध में आया, जो आपको पसंद था वो नहीं आया, तो तुरंत वाणी निकल गई कि नहीं, मुझे नहीं भाता ऐसा खाना, कौन खाएगा। देखो आपने अभिनय कर दिया, आपने बड़ा गुनाह कर दिया, अपराध कर दिया। और सबसे बड़ी बात, एक एक हमारे फ्रेंड्स है, या तो हमारे पड़ोसी है, या तो हमारे जान पहचान वाले, उन्होंने कोई गलती कर दी, मगर हम वाणी बोलते बोलते जो उसके अंदर अवगुण नहीं है, वो अवगुण भी हम उस वाणी में दिखाने लगे, उसको अवर्णवाद कहा। अवर्णवाद, ये वाणी का दादा भगवान ने कहा। मैं कभी कभी अपने लिए सोचता हूं पूरा दिन में, कि कौन सी वाणी मुझे खुद को दुख दी गई, मेरी खुद की वाणी, और कौन सी वाणी दूसरों की वाणी सुनकर मुझे दुख हुआ। तो मैंने पूरा एनालिसिस किया, तो मेरी वाणी से मुझे कहीं पे भी दुख नहीं लगा, उल्टा का अच्छा लगा कि मैंने देखो सामने सुना दिया, सामना सामने बदला ले लिया, सामने वाले को नीचा गिरा दिया। मेरी वाणी सामने वाले को इतनी दुखदाई हो जाए, इतना हिंसक बन जाए, फिर भी मेरी वाणी बोलने के बाद मुझे दुख नहीं हो रहा है, और सामने वाले ने सिर्फ मुझे शॉर्ट में कहा कैसे हो बस, और पूछ के चले गए, और मुझे दुख हो गया कि बस इतनी मेरी वैल्यू, कैसे हो करके चले गए, कुछ और नहीं। तो कि सामने वाले की वाणी निकली अच्छी, कैसे हो, फिर भी मुझे दुख हुआ। और मैंने ढेर सारी उनकी गलतियां निकाल कर, उनका बुरा भला इकट्ठा कर वाणी में मैंने बहुत सुनाया, फिर भी वो वाणी बोलने के बाद मुझे दुख नहीं दे रही है, तो ये क्या बता रहा है? ये खुला अहंकार बता रहा है कि खुद की वाणी का खुद को दुख नहीं हो रहा है। इतनी वाणी सबको सुनाकर, सबको नीचे गिराते हो, सबको दुख देने के लिए यूज होता है, फिर भी खुद को दुख नहीं हो रहा है। तो कितने हम हमारी गलतियों के पक्ष में है, और हमारे वो गलतियों को आधार देने वाला अहंकार का पक्ष में कितने हैं, जो वाणी इतनी हिंसक निकलने के बाद भी खुद को जलन नहीं खड़ी करती, या तो खुद को दुख नहीं देती है, तो हम उस वाणी के कितने पक्ष में हैं? कहीं हमको हमारी जात को छिपा ना हो। आज प्रदीप आनंद जी ने पूछ लिया, या तो दीपक आनंद जी ने कुछ पूछ लिया, अरे और मैंने इतना जोड़ तोड़ के घुमा घुमा के ऐसा मैंने वाणी का आंसर दिया, वाणी से, कि अपने आप को अच्छा दिखाने में भी मैं मेरी वाणी ही यूज करता हूं। जो मैंने काम किया है, वो सामने वाला अगर उसकी प्रशंसा न करे, तो बार बार मैं अपनी बात कह कह कर सामने वाले को दिखाता हूं, और खुद ही की प्रशंसा करके सामने वाला कब मेरी प्रशंसा करे, ऐसा मेरा पूरा दिन वो ही मेहनत में जाता है, कि मैं मेरी अच्छी बात बताकर, मैंने अच्छा काम किया बताकर लोगों से प्रशंसा लूं, लोगों से मुझे बहुत अच्छा रिएक्शन मिले, उसकी राग देखता हूं, और दूसरों को हमेशा गिराने में, या तो दूसरों को हल्का करने में। क्योंकि हमारे घर में जब दो भाई है, या तीन बहन है, या दो बहन है, एक की प्रशंसा ज्यादा होगी ना, भले ही भाई बहन हो या तो भाई भाई हो, दूसरे को अच्छा नहीं लगता, उसकी इतनी तारीफ करते हैं, जैसे कौन सा बड़ा पहाड़ उसने कर दिया, उतना कौन सा बड़ा काम कर लिया, इतनी तारीफ करते ही जाते हैं, इसमें क्या होगा, ये तो मैं भी करके दिखा सकता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्योंकि सामने वाले की तारीफ हम सुन नहीं पाते, सामने वाले की घर की मेंबर की, या तो अड़ोस पड़ोस वाले जो पड़ोसी है, उसकी भी तारीफ कोई करे, प्रशंसा करे, तो हम सुन नहीं पाते, तो सामने से जाकर मुझे कहना पड़ता है,
कि प्रदीप आनंद जी, दीपक आनंद जी, जिसकी आप बात करते हो और अच्छा कहते हो, आपको पता है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी सही बात क्या है, आपको पता है? वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, आप बहुत तारीफ करते हो, बहुत प्रशंसा करते हो, मगर आप दूसरी बात तो जानते नहीं हो। ऐसा करके भी हम वाणी का, उसका नीचा गिराने में हमारी बात चलती है। ज्यादातर जेलसनेस, एक ईर्ष्या और एक लौकिक में, दुनियादारी में हम कहते हैं ना कि स्वार्थ, ईर्ष्या और स्वार्थ की वजह से भीतर इतना जलन हो जाए, इतना जलन हो जाए, तो उसके बाद जो वाणी निकलती है उसमें पता चलता है कि ये मन मेरे बस में क्यों नहीं है। तो कि मन में हम बार बार नेगेटिव ओपिनियन देते ही रहते, नेगेटिव ओपिनियन मन में खड़ा करते ही रहते हर एक मोड़ पर, हर एक पल पर, और ओपिनियन की वजह से ये मन अपनी गुणों का जन्म देते ही रहते। कहां से? भाषा से, लैंग्वेज से। और लैंग्वेज और भाषा कैसे व्यक्त करते? तो कि वाणी से, वाणी। दादा भगवान ने वाणी के नियम बताए, वाणी कैसी होनी चाहिए? तो कि सत्य होनी चाहिए। तो केवल सत्य चलेगा? तो कि नहीं चलेगा। मेरे पापा को मैं पापा कहूं या मेरे मम्मी के हस्बैंड कहूं, दोनों बात सत्य है, मगर सत्य कड़वा नहीं होना चाहिए। सत्य के साथ दूसरा दादा भगवान ने कहा कि वाणी के कायदे क्या है, सरस्वती माता का कायदा क्या है वाणी के संबंध में? तो कि सत्य, हित, मतलब खुद का भी नुकसान ना करे और दूसरों का भी नुकसान ना करे, खुद के अच्छे के लिए हित में हो और दूसरों के हित में हो, दूसरों की भलाई के लिए हो और खुद की भी भलाई हो, केवल हिंसा ना हो। तो कि हित, मित, मित मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, लंबा लेक्चर नहीं। आज आपकी कहीं से आइसक्रीम, या तो ये गर्मियों की सीजन में बर्फ के गोले खाकर आओगे और मेरे जैसा मिलेगा और आपको कहेगा बच्चों को कि बर्फ नहीं खाना चाहिए, आपको कितनी बार कहा बाहर का बर्फ अच्छा नहीं होता, ये है वो है, आप एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, तीसरी बार तो आप खड़े ही नहीं रहोगे मेरे पास, क्योंकि मैं बड़ा 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 लेक्चर देकर आपके साथ मैं अपना एक इंप्रेशन जमाना चाहता हूं। तो कि मित, मित मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, एक ही वाक्य में खत्म होता है, तो चार वाक्य यूज मत करो, क्योंकि कर कसर करना है तो वाणी की करो, और वो भी अपने घर में पहले करो। अगर स्कूल में जाते हो विद्या सीखना है और विद्या अपने को अच्छी तरह अपने अंदर बैठ जाए, तो सबसे पहले स्कूल में जाकर अपनी वाणी का दुरुपयोग मत करो, क्योंकि हम टीचर का भी नाम रख लेते हैं, किसी को कोई अपाइज हो, कोई हैंडीकैप हो, तो उसको भी मस्करी करके उसको भी दुख पहुंचाते। लंगड़े को लंगड़ा कहना क्या अच्छा है? लंगड़े को लंगड़ा कहोगे तो क्या आपको कोई सुख आएगा कि आपको इससे दुगना दुख झेलना पड़ेगा? टीचर कोई पसंद नहीं है, कोई क्लास में पसंद नहीं, तो आप उसका किसी भी तरह दूसरा नाम रखकर उसको चिढ़ाओगे, वहां पे भी वाणी का दुरुपयोग होगा। आप झूठ का सहारा लेकर झूठ को इस तरह वाणी में आप बताएंगे कि झूठ झूठ ना लगे, झूठ सच लगे, ऐसी वाणी। तो क्या है? तो वाणी सत्य, हित, मित और प्रिय होना चाहिए। ये चार मुख्य सरस्वती माता के चार मेन रूल्स है। ये कहीं पे भी हम कुछ भी बोल दें, इसके लिए दादा भगवान ने कहा पांचवी कलम में कि अगर निकल भी जाए, दोष हो भी जाए, गलती हो भी जाए, तुरंत जाके हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेना कि मुझसे ऐसा ऐसी वाणी निकली और आपको दुख पहुंचा। कोई कठोर भाषा,
तंतीली भाषा बोले तो मने मृदु रुजु, इसका मतलब क्या है? मृदु मतलब सरल और रुजु मतलब नम्र, सिर झुकाकर नम्र होकर सीधे होकर, सिर्फ दिखाने दिखावे के लिए नहीं। कोई कठोर भाषा तंतीली भाषा बोले तो मने मृदु रुजु भाषा बोलवानी सकती हो आप। गलती किसी ने की है, आपका रोल आया उस गलती को कहने का, तो उस गलती को मैं कैसे बताऊं ताकि उस गलती के ऊपर दूसरी ढेर सारी बहुत ज्यादा गलतियां ना हो जाए। तो मैंने सुबह से देखा कि मेरे हाथ के नीचे जो काम करते उसके साथ मैंने विनय से बात नहीं की। आज हमारे घर में संयम धाम में एक खाना बनाने वाला, एक रसोई करने वाला, एक कुक है, 30 साल से हमारे साथ रहता है, 28 साल कम से कम हो गए। सभी आप्तो पुत्रों ने उनका हाथ का खाना खाया है, सभी आप्तो पुत्रों उनके प्रति बहुत अच्छी तरह मिलजुल गए हैं। मगर मैंने उसको मेरे हाथ के नीचे और मैंने कुछ भी उल्टा सुल्टा कह दिया, वो बोल तो नहीं पाएगा, कह तो नहीं पाएगा, क्या उसको दुख नहीं पहुंचेगा? छोटे हमारे नीचे है, उसको तो पहले संभालना चाहिए। दादा भगवान कहते आपके नीचे है, आपके माता पिता के आपकी साथ आपकी बात कठोर निकल जाती है, कड़क निकल जाती है, क्रोधित होकर बोलते हो, ते मैंने देखा। और वाणी से मैं अपनी कमजोरियों का रक्षण ही करता हूं और अपनी प्रशंसा करने के लिए सबसे ज्यादा वाणी का मैं उपयोग करता हूं। दादा भगवान भी करते थे, दादा भगवान के पास बैठते थे ना तो बहुत हंसाते थे, बहुत छोटे बच्चे की तरह हंसाते थे, बहुत सिंपल बातें करते थे, निर्दोष किसी को भी दुख ना पहुंचे ऐसी मजाक भी करते थे। आप्तो पुत्रों को भी मजाक करते थे, आप्तो पुत्रों को भी दादा भगवान ऐसी मजाक करते थे कि सभी आप्तो पुत्रों को एकदम हंसी आ जाए, अंदर से मुक्त हो जाए। दादा भगवान भी खिलखिलाट हंसते थे, मगर उस मजाक में उसमें किसी को दुख पहुंचाने की बात नहीं था। निर्दोष निखालस एक बात, और दादा की वाणी सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, क्योंकि उस वाणी में खुद की गलतियों को छुपाना या तो खुद के पक्ष में, खुद के पक्ष में मतलब अपने खुद के अहंकार को खुश रखने में या तो अहंकार की गलतियां छिपाने में उस वाणी का उपयोग ना हो, तो उस वाणी की प्योरिटी बढ़ जाए। और वो वाणी पहले अपने को ही बहुत सुख दे, क्योंकि वाणी से सुख मिलना ये दो ही पुरुष का है, तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी पुरुष। और जब जब दूसरों की गलती दिखाई दे और मुझे कहना पड़े तो मैं ऐसे कहूं कि एक भी कायदा ना टूटे। मैंने आज पूरे दिन में मेरे पक्ष में कितनी बातें की, आज पूरे दिन में मैंने अपनी गलतियां छुपाने में कितनी बातें की, अपनी तारीफ करने में कितनी बातें की, और दूसरों को नीचा गिराने में या तो दूसरों के साथ कंपटीशन करके उससे मैं कुछ स्पेशल हूं। ये वाणी बहुत बहुत अहम रोल करती है अपने व्यवहार में। इसके लिए वाणी को कहा केवल स्थूल वाणी नहीं, सूक्ष्म स्थूल वाणी। इसके लिए कविराज ने कहा वाणी ना बॉम्ब धड़ा के मुंह तूनो भेद पड़न तो बीजाने हेठा पाड़ी सौने था छे वड़ो उद्धत ने अविनय पोतानी पोता उद्धत ने अविनय पोतानी भूलो उपरी पोतानी भूलो उपरी
ये पद में वाणी का बहुत आपको पता चलेगा। गड़जग मा विपरीत लोके, गड़जग है झगड़ी, हाँ कड़जग, ये कड़जग मा, ये कलयुग में सबसे बड़ा डेंजर और सीधी सीधा वैर खड़े करना, खड़ा करने वाली, तो क्या अपनी जबान, जीभड़ी नी तलवार, जीभ एवी तलवार छे कि पूरे घर को शमशान बना दे। कड़जग मा विपरीत लोके, घर नी ज कड़ियो माही, जीभड़ी नी कड़वा शोथी, नाखी दी दो छे कड़वो लीमड़ो। ये देखो हमारी जबान कैसी है, अच्छी अच्छी चीज में कड़वा, ऐसा कड़वा बोल देते हैं, ऐसा वर्ताव वाणी से कर देते हैं, फिर भी कविराज क्या कहते हैं, आखू ये गाम वखाणे पण घर मा उपजे न काई, रूड़ा देखावा बाहेर वेरी दी दो छे मीठो लीमड़ो। तो मीठा लीमड़ा मतलब अपने घाट में अपने स्वार्थ में ऐसी जबान मीठी चलाए, और ऐसी मीठी जबान चला चला कर अपने अपनी तारीफ और अपनी प्रशंसा करने में इतना नीचे झुक झुक कर बात करे कि लोग उसकी तारीफ करें, मगर घर वाले को पूछो, घर के मेंबर को पूछो तो कि उसकी बात करने जैसी नहीं है। भले वो पूरी दुनिया में अच्छे लगते हो, मगर असलियत तो हमको पता है वो कितने सीधे हैं। वाणी ना बॉम्ब दड़ा के तू नो बेद पढ़न तो बीजाने हेठा पाड़ी सौने था छे बड़ो उद्धत ने अविनयी पापोनी श्रीमंताई जेनी साथे जीववानू त्या पाड़े अंतराई बोझल ने डीजा। प्रदीप आनंद जी बोझल डीजाई नूसा साथी ने मजबूर करता मत भेदे मोहा चढ़ता दुवे तसे आड़े। ये बात में दादा भगवान ने कहा कि पूरी दुनिया पूरा जगत कैची कैची फाड़ने की कोशिश करते हैं, पूरी दुनिया वाणी से हर जगह मतभेद खड़ा करना, हर जगह साम सामने हो जाना, एक हम अकेले ऐसे हैं। दादा भगवान खुद के लिए कहते थे कि हम सुई और धागा लेकर घूमते हैं, जहां जहां आपने कैंची घुमाई, जहां आपने फाड़ दिया, वहां हम ये सुई और धागा लेकर सांधने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा कोई हमारे साथ टकराव करने आए, वाणी से टकराव करे तो हमने वाणी टकराव खड़ा करने में कभी हमने यूज नहीं किया है, मगर हमने वाणी से टकराव वापस एक हो जाए, टकराव टल जाए, टकराव दूर हो जाए और वापस एक हो जाए, ऐसी वाणी का उपयोग हमने घर में भी किया। दादा भगवान खुद कहते थे कि हमारे 55 साल की शादी में हमारे साथ हीराबा को कभी भी तकरार या मतभेद खड़ा नहीं हुआ था, वाणी से भी नहीं और किसी भी प्रकार से नहीं। 55 साल एक ही बार छोटा सा टकराव खड़ा हुआ, मतभेद खड़ा हुआ वाणी से, तुरंत ही दादा भगवान ने कहा हमारे बीच ये मतभेद कैसे आ गया, हमारे बीच ये मेरा तेरा ये शब्द कहां से निकले। तुरंत ही दादा भगवान ने ऐसा वाणी का उपयोग किया, मेरा तेरा घर के बाहर निकल गए और दोनों दादा भगवान और धर्म पत्नी हीराबा दोनों वापस
एक होकर एक बनकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला दिया। दादा भगवान की एक वाणी, एक ही वाक्य टूटते हुए घर को मंदिर बना दिया। अगर दादा भगवान वो शब्द नहीं निकालते, वो वाक्य नहीं बोलते, तो वो घर शमशान में बदल जाता। ये पूरा पद दादा भगवान है। दादा भगवान के पास जो भी गए तो दादा भगवान ने उसको अपमानित नहीं किया, ऊपर से आश्रय दिया कि कोई बात नहीं, तो हम हमारे साथ रहना, छोटा मोटा काम करना, और जो तुझे आता है। इसके लिए दादा भगवान ने दूसरे पद में भी कहा, कोने सु आवड़े छे खोज, कदी फरियाद कोने सु आवड़े छे खोज, कदी फरियाद होठ न धर, ये घर मां सारो छे व्यवहार, ते झुपड़ू होय तो यदि पे। ये दादा भगवान की बात बहुत समझने जैसी है। व्यवहार में आप नवरात्रि में उपवास करो या ना करो, नवरात्रि में दो टाइम खाओ या एक टाइम खाओ, कोई बात नहीं, जरूर कीजिए। माता जी की भक्ति है, अलग 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 प्रकार से माता जी की आराधना करते हैं, माता जी का विनय करते हैं। कोई भूखा रहकर, कोई फराली कर, कोई नींबू शरबत या उपवास कर, कोई बात नहीं, मगर सभी माता जी एक साथ क्या कहना चाहते हैं कि आप ये नवरात्रि के 9 दिन में एक दिन भी वाणी से किसी के टकराव में नहीं आए तो हमारी कृपा तुरंत आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप दादा भगवान की आज्ञा में है, और दादा भगवान की आज्ञा में होने के कारण सभी माताजियों का विनय, अंबे मां मुख्य, क्योंकि गुजरात में अंबे मां की शक्ति पीठ है, और गुजरात में ज्ञानी पुरुष होना उसमें अंबे मां का बहुत बड़ा रोल है। साथ साथ भद्रकाली माता को देख लो, भद्रकाली माता शक्तिपीठ बादरण गांव में, मैं जब भी भद्रकाली माता के पास जाता हूं कि हे भद्रकाली माँ, आपने हमको ऐसे परमात्मा दिए, आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से आपके कुल में ऐसे पुरुष ने जन्म लिया जो खुद परमात्मा होकर सभी को परमात्मा बनाने में, ये आपकी कृपा और आपकी शक्ति क्या है। तो मैं भद्रकाली माता को भी कहता हूं कि ये वाणी, ये 9 दिन में, इन नवरात्रि में मैं एक दिन भी टकराव हो और टकराव न होने दूं, भाव गलत हो जाए और तुरंत मैं प्रतिक्रमण या प्रायश्चित करूं, वाणी गलत निकल जाए और मैं प्रायश्चित करूं, आंखों से गलती हो जाए जो किसी को ना पता चले, आंखों से कोई गलती हो जाए और तुरंत वो आंखों की हुई गलती वाणी में आए बिगर रहती नहीं है साहब, क्योंकि सारी इंद्रियों की लगाम मन के पास है, और सभी इंद्रियों की लगाम मन के पास होने के कारण मन का डायरेक्ट कनेक्शन वाणी के साथ है, लैंग्वेज भाषा के साथ है। इसके लिए कहते हैं ना कि क्या सुना आपने, तो कि जैसा सुना उसको वापस दादा के ज्ञान से उसको सॉफ्ट या तो पॉजिटिव बना देना, नहीं तो जैसा सुना वैसा ही वाणी में हिंसक नेगेटिव निकल ही जाएगा, और वाणी किसी का भी अगर आपने तय कर दिया तो आप माता पिता का भी वहां पे वैल्यू करना भूल जाओगे। यहाँ पे लिखा है, ओम ह्रीम दादा भगवान सर्वज्ञ शरणम गच्छामि, श्यादवाद वाणी, प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी है, माँ सरस्वती देवी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छू अने प्रार्थना करूँ छू के वाणी शब्दे शब्द सत्य, इतले के जे व्यवहारिक साची होय, हित
એટલે કે જે સામાન્ય લાભદાયી હોય, મીત એટલે કે જે ટૂંકી હોય, ખોટી લાંબી સવારી કરતી ના હોય. લવારી ખોટી લાંબી લવારી કરતી ના હોય. આપણી 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 જબાન ઓર આપણી વાણી બહોત જીભ ઇતની લંબી હૈ, ઇતના માઇલ તક લંબી હો સકતી હૈ કે એક હી બાર મેને કહા કે દીપક કાનજી આપકે જૈસા મૂર્ખ આદમી દેખા નહીં, इसकी इसका पड़गा इसका इको कितना टाइम तक अंदर रहता है, खुद के अंदर समझने जैसा है. इसके लिए कहा ना कि खुद के हित में हो, खुद के लाभ में हो और दूसरों के लाभ में हो. मीत खोटी लांबी लवारी करती ना हो, प्रीत प्रिय प्रीत इतले के जे सामाने गमे एवी होय એના સંપૂર્ણ ગુણાકારથી સંપૂર્ણ તોલેલી એટલે કે કેટલા ભારની નિરાગ્રહી હોય, સંપૂર્ણ માપેલી એટલે કે કેટલા એટલે કે સપ્રમાણ શબ્દોની સંપૂર્ણ ઉપયોગ જાગૃતિપૂર્વક એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, હું રિયલ છું અને મન વચન કાયાની નાનામાં નાની અવસ્થાનું સ્પંદન જે રિલેટિવ જ છે, જેને વ્યવહાર પરમ ઉપકારે કરીને વ્યક્ત કરે છે, એને હું અંતરાત્મ દશાએ જોવાનું એટલે કે એને સમજવાનું બિલકુલ ચૂકું નહીં, કારણ કે પ્રજ્ઞા શક્તિ એને બહુ જ ઉદારતાથી દેખાડી જ દે છે. એના સ્વભાવથી અને ખાસ કરીને વાણીનું સ્પંદન જે અહંકારનું વ્યક્તવ્ય છે, એટલે કે વાણી પરથી અહંકાર સમજાય, જે ડિસ્ચાર્જનું એ ડિસ્ચાર્જ છે, એટલે કે જે સેકન્ડ ડિસ્ચાર્જ છે, જે આજની સમજણથી ચોક્કસ બદલી શકાય છે, એવી એ પુરુષાર્થી વાણી માલિકી ભાવ વગરની એટલે કે સહજ ઓનરશીપ ફ્રી હોય, નિમિત નૈમિતિકપણે એટલે કે અંદરના પૂર્વ કર્મના નૈમિતિક કારણોથી જ સામા નિમિત સ્વરૂપે બહાર કુદરતી સંયોગ કરીને વ્યવસ્થિત શક્તિ થકી ભેગા થઈ આપણી વાણી ટેપ રેકર્ડ સ્વરૂપે એ પરમ ઉપકારે કરીને વગાડી આપે છે. અને હું શુદ્ધાત્મા ઇન્ટુ બ્રેકેટ સ્વરૂપી અંતરાત્મા દશાએ કરીને એ વાણીને સારી રીતે પ્રજ્ઞા શક્તિના દિવ્ય પ્રકાશ થકી જોઈ એટલે કે સમજીને એની બધી જ ભૂલોને અંદરનો વ્યવહાર દ્રષ્ટિવાળો હું એટલે બધા પોતાનું નામ એટલે કે હું વ્યવહાર દ્રષ્ટિવાળો હું દીપક આનંદ સુધારી લઈશ, એવી એ વાણી અખંડ સિદ્ધાંતમય જે સ્પષ્ટપણે સ્વ પરનો ભેદ અવિરત પાડે એવી આવરણ ભેદક જે ગમે તેવા આવરણોને ભેદી હૃદયને સ્પર્શે એવી સમયોચિત સમયોચિત જે સમય સંજોગ પ્રમાણે બધાને અનુકૂળ થાય એવી હોય, પાતાળી ઝરણા સ્વરૂપે જે વાણી શુદ્ધ નિર્મળ હોય, પરમાર્થ એટલે કે જે છેલ્લા મોક્ષનો અર્થ ખુલ્લો કરતી પરમ પવિત્ર હોય, મંત્ર રૂપે મનને સંપૂર્ણ સમાધાન આપી શાંત કરી તારે એવી હોય, ઊંઘતા અંતકરણને ઢંટોળી જગાડે, બધી જ રીતે હારેલા અને નાસીપાસ થયેલાને પણ
संपूर्ण आधार आपी वात्सल्य प्रेम थी जगाड़े एवी संपूर्ण स्यादवाद एटले के कोईनु किंचित मात्र पण प्रमाण न दुभाय एवी संपूर्ण अभिप्राय रहित सरल वितरागता सभर जे सामानु हृदय परिवर्तन करे एटले के सामो एना आग्रह आडाय अने स्वच्छंद संपूर्ण छोड़ी स्वीकारी दे एवी केवल स्व पर कल्याण अर्थेज निकले जे पहला पोतानु एटले के व्यवहार दृष्टि वाला अंदरना दीपक आनंद ने अविरत बोध आपी संयमित करती संपूर्ण सर्वांगपणे कल्याण करती निकले जेमा बाहरना दीपक आनंदना स्वाभाविक संयमित थता जाय संपूर्ण सर्वांगपणे कल्याण करती निकले जेमा बाहरना दीपक आनंदना स्वाभाविक संयमित थता जता जाय साथे साथे अन्यनु सहजपणे कल्याण थया करे एवी मारी वाणी होजो एवी परम कृपा करो एवा आशीर्वाद आपो एवी परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो आवू चोगरदम थी परम हित करावनारु गजबनु वित्रागोनी वाणीनु विज्ञान छे शाश्वत काळवर्ती निराग्रही एटले संपूर्ण आग्रहथी मुक्त निराग्रही सरस्वती अपक्षीय एटले के निष्पक्षपाती वित्रागी स्वयं सिद्धागम वाणी तरत ज व्यवहारनो पण गम आपे अने सिद्ध कायम माटे सिद्ध थवाय एवी सिद्धागम वाणी तेथी श्रीमद जीए कह्युं छे एटले के कृपाळु देवे वितराग वाणी वगर अवर न कोई उपाय मुक्ति आपनारी वितराग वाणीनु आवु परम दिव्य स्वरूप सदाय जयवंत रहो जयवंत रहो जयवंत रहो जय सच्चिदानंद। खूब खूब दीपक आनंद जी हृदय थी आत्मा अभिनंदन हृदय थी आपने वंदन। खरेखर आज तमे लाव्या आपणी वाणी में समाई नहीं साहेब आपणे गम्मे तेटलो कहू आ दादा भगवान नी वाणी खुली देशना करुणा सभर देशना अने आ कारणे अनुरूप खटपट वाली वाणी देशना स्वरूपे अने आ बधा गुणों आ वाणी मा दादा भगवान नी वाणी मा जेने आ कारणी टॉप क्वालिटी नी वितराग वाणी ई दादा भगवान नी वाणी मा बधा गुणों छलकता था अने छलकी ने दरेक महात्माओना कान मा दादा भगवान रेडियाज करता था। आओ सच्चिदानंद छे के केम आयो केम आवी गयो हा अने केम तारे मोढ़ू छुपावू पड़े छे ई वाणी मा इतली बड़ी प्योरिटी के सामानो दोष कोई पण प्रकारे अंदर अडपलू करी ना सके अने दोष एवो थर 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 कापे कि दोष पोते ज बधु फटाफट पोतानु उल्टी करी नाखे
એવી દાદા ભગવાનની વાણીમાં એવી પ્યોરિટી, એવું વચનબળ. અને જે અત્યારે આ દીપક આનંદજીએ કાઢ્યું, ધન્ય છે સાહેબ. આ વાણીના આ ઉત્કૃષ્ટ તીર્થંકર ભગવાનની વાણી સાથે સરખાવી વિતરાગ વાણી સિવાય. અને આ નવ કલમની પાંચમી કલમમાં આખી ને આખી વાણી સંબંધી પ્રતિક્રમણ મૂક્યું. અને અત્યારે આ વાણી ને અત્યારે જે આ પ્રતિક્રમણ કરાવ્યું દીપક આનંદજી આ મૂકીને, ઓહો, આ તો વારે ઘડી બોલવા જેવું છે. હું તો કહું છું દિવસમાં જેટલી વાર, કારણ કે વાણીથી જ આપણા હૃદયના ઘા રૂજાતા નથી. ઉપરથી મીઠું મરચું ભભરાવીને આપણી વાણી નીકળે છે. અને દાદા ભગવાનની અને વિતરાગ વાણીની અહીંયા ઓળખાણ આપી, મુક્તિ આપનારી વિતરાગ વાણીનું આવું પરમ દિવ્ય સ્વરૂપ સદાય જયવંત રહો, જયવંત રહો, જયવંત રહો. એટલે કહ્યું કે દાદાની વાણી બહુ સમય સુધી કલ્યાણ કરવાની છે. કારણ કે આ વાણી જેટલી વાર સાંભળીએ છીએ દરેક વખતે નવા 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 ફોડ પડે છે. અને આ દાદા ભગવાનની વાણીએ આ કાળમાં ગાળો દઈને દાદા ગાંગડુ ને તારો દાદા ભ્રાંતિ રસ ઉગાડો કોમળ શબ્દો થી નથી સમજાતું ત્યારે દાદા શબ્દો ભલે વાપરો. અરે દાદા ભગવાન કઠણ શબ્દ વાપરે ને આપણી અંદરની ભૂલો આખી તૂટીને ચૂર ચૂર થઈ જાય. વાણીમાં આટલી બધી વાણીની પ્યોરિટી, અહિંસક વાણી, પ્યોર વાણી. અને એ વાણી એવી નીકળે કે અંદર એક એક ભૂલને તોડી તોડીને ચૂરો કરીને દાદા ભગવાન એક એક મહાત્માઓને ભૂલોથી પણ મુક્ત કરી ગયા. પણ શું થાય, આપણી તૈયારી નહીં ભૂલો ભાંગવાની, આપણી તૈયારી નહીં ભૂલોને કાઢવાની, અને આપણી તૈયારી જ નહીં કે ભૂલોની વિરુદ્ધમાં અને દાદાના પક્ષમાં બેસીએ. દાદા ભગવાને બહુ જ મહેનત કરી મહાત્માઓને માટે, આપ્તપુત્રોને માટે. સવારે 5:30 થી ચાલુ થાય તે રાત્રે 11:30 સુધી વાણીનું વર્ષીદાન અને વાણીથી મોક્ષ દાન, વાણીથી અભયદાન. આહાહા, દાદાએ નવડાવ્યા જ કર્યા, દાદાએ વાણીનું રસ પીવડાવ્યા જ કર્યા. કેમ? તો કે કેમ કરીને આ વાણી, એટલે આ દાદાની વાણી જ્યારે કડક નીકળે ત્યારે બીજા આપ્તપુત્રો કે દાદા અમને પણ આવું, અમને આવી પ્રસાદી આપો ને. તો કે એવી પુણ્ય લાવ્યો હોય તો અમારી વાણી નીકળે ને. તું પુણ્ય લાવ્યો જ નથી અને તું લાગમાં આવતો નથી. આ જો આ વાક્ય મુખ્ય બોલવામાં મારે. શરણજી જી, બીજી એક વાત એમ કીધેલી, હું લાગમાં લેવા ફરું છું ને ત્યારે તું ભાગવા ફરે છે. જી જી જી, ભૂલોના પક્ષમાં, ભૂલોના પક્ષ વાળાએ. અને ખાસ આપ્તપુત્રોને કહેલું આ, એટલે આપ્તપુત્રોનું તો જે ઘડતર અને જે આપ્તપુત્રો જોડે દાદા ભગવાને જે સમય કાઢ્યો અને આપ્તપુત્રોની જે અંદર કામ કરી ગયું, એવી એવી આપી છે, એવી એવી આપી છે દાદાએ, કે આ આવડી મોટી ભૂલ ભાંગવા માટે અમારે અમારી વિતરાગતામાંથી બહાર નીકળીને વઢીને મઈ રહે વિતરાગ જુઓ કરો નાટક રડાઈ જુઓ કરો નાટક રડાઈ
भीतर भीतर ना प्रेम नो छाटो, भीतर ना प्रेम नो छाटो, कमाड़ो खोले सहु दिल ना, ते जुए दे हमा आत्मा, परम निर्दोष दृष्टात्मा। क्यारे एमनु दर्शन, एमनु दादानु दर्शन क्यारे दोषी थयुज नहीं, एमनु पोतानु दर्शन नो ऑब्जेक्शन वाड़ू, क्लियरेंस, क्लियर नहीं क्लियरेंस मड़ी गयो कि हमने आखा जगत जोड़े, आखू जगत हमारी जोड़े, वाकू चाले, उंदू चाले, आडू चाले, हमने नीचा पाड़े, तेम छता हमारा दर्शन मा कोई फेरफार नहीं था, हमारो दर्शन नो ऑब्जेक्शन वाड़ू, बद्धाने निर्दोष जोवा वाड़ू, एटले क्लियरेंस कयू, क्लियर शब्द नथी वापर्यो। अने आ दादा भगवाने वात केवी मुकी, अम पत्थर दिल ना लो ने प्रभु हाथ लगावो, तुम जाजू परिया अमी नयनाथी बाड़ो सगड़ा पाप। अरे शू जारे हाथ मुके ने जेव हाथ माथा पर टपली मारे, जाने एम थाय कि ओ आखु पुद्गल खोवाई गयो, खाली एमनो हाथ ऊपर खाली टपली मारे एमा तो आखु पुद्गल आखु ठंडु खोवाई जाए, अने पोते हूँ दादा भगवान जेवो छू, शू आ वात छे। आ नव कलम ने पांचमी कलम अति अति आ काळमा अने दरेक काळमा, एमा मुख्य आ काळमा तो बहुज साचवीने वापरवा जेवी छे, कारण के आपणी वाणीमां इमोशनल पणु वधारे, कोकने दुख पड्यू होय तो ई एवी रीते बोले जाने एने दुख पड्यू होय, एने डिससेटिस्फेक्शन थयुं होय, एने एनो अहम एने बहु दुभायो होय, त्यारे ई बोले त्यारे एटलो बधो इमोशनल थईने वात करे जाने एनो दुख एने लाग्यु होय। आ दादा भगवान कहता इमोशनल वाणी ए दयाना आधारे निर्दयता ने जन्म आपनारी वाणी छे, कारण के दया करती वखते जे वाणी निकली ए पाछी निर्दयता जारे थाय त्यारे आज वाणी भयंकर हिंसक अने भयंकर वैर बांधनारी थई जाय। केटला जन्मो सुधी दादा भगवाने एक बेन ने पूछेलू कि दादा, अरे दादाए बेन ने पूछेलू कि बेन तारा पति, हवे दादा भगवान दर्शन केवू क्लियरन्स नो ऑब्जेक्शन वाळू आखा जोड़े, એટલે દર્શન આરપાર દેખાય, આરપાર। હું ગુજરાતીમાં બોલું છું, ચાલશે ને દીપક? હા ચાલશે ચાલશે। આરપાર દેખાય તો દાદા ભગવાને બેનને પૂછ્યું કે બેન તમારા પતિ જોડે તમને કેવું ફાવે છે? ત્યારે કે દાદા તમે પૂછ્યું છે એટલે સાચું કહું, હું સાત જન્મ સુધી સાપ થઈને એને કરડીશ। આ બેનની નિખાલસતા જુઓ, અને એ બેનની નિખાલસતા એટલે હતી કે દાદા ભગવાનની વાણીમાં પ્યોરિટી એવી હતી કે એમને પોતાની વાત, દાદા હવે પછીના સાત જન્મ સુધી હું સાપ થઈને એને કરડ્યા જ કરીશ, એને છોડીશ નહીં। આ જુઓ આ વાણી ક્યાં સુધી ગઈ, ત્યારે દાદા ભગવાને ત્યારે એ બેનને એ પોતાની વાણીથી કરુણાથી એવું સમાધાન આપ્યું કે સાત જન્મ નહીં આ જન્મમાં પણ હવે હું કરડવાનું, મારો સ્વભાવ
કાઢી નાખીશ. આ દાદા ભગવાને જાહેરમાં બધાને કીધેલું. નિમેશાનંદજી, હાજી હાજી, આ થયેલી વાત અહિયાં મુંબઈમાં ઓમ શાંતિમાં મારી સામે થયેલી, અને દાદાએ એમને જ્યારે વિધિ કરાવી ને ત્યારે બેન ઉછળતા હતા. હા બરોબર છે, કારણ કે એ હિંસક પણ નીકળતી વખતે એમને નીકળે, એ તો વિધિનો પ્રતાપ હતો, એટલે એ અંદર પડેલું ગાઢ અંદર થઈ ગયેલું. નીકળતી વખતે તો બહુ ઉછાળા મારે, ના નીકળવા દે, આ તો વિધિ હતી, દાદાની વિધિમાં એવો પાવર હતો. પણ પછી જે બોલ્યા ને એ બહુ જબરજસ્ત હતું. આજે તમે કીધું ને કે હવે આ ભાવમાં એ નહીં, દાદા મેં હવે સાત જન્મની આ ભાવમાં પણ હવે હું કરડીશ નહીં, કારણ કે દાદાએ જોખમદારી બતાવી અને દાદાએ એનું ફળ બતાવ્યું કે બેન તું શું બાંધે છે તને ખબર છે. પણ એ બેનની પુણ્ય કેવી, એ બેનના કેવી કૃપા કે દાદા ભગવાન ડિરેક્ટ આવું. તો દાદા ભગવાને દરેકની અંદર જ્યાં જ્યાં મોક્ષમાં બાધક થયેલા ગુના અને મોક્ષને અટકાવનારી ભૂલો અટકણો દાદા ભગવાને સામે ચાલીને તોડી આપી છે, એમાં આપ્તપુત્રો પણ બાકાત નથી. મહાત્માઓને તો મોક્ષમાં બાધક કહી છે, અત્યારે એને મોક્ષમાં અટકાવનાર કહ્યું છે, અને મોક્ષને આવરણ લાવનારી કઈ અંદર ભૂલ પડી છે એ દાદા ભગવાને સામે ચાલી ચાલીને તોડી છે, બોલી બોલીને, પૂછી પૂછીને, એક એક ની. હાજી દીપક આનંદજી બોલો. હે નામ જે શક્તિ ખૂટતી લાગી, વિધિમાં પરમાણુ છાંટી જ દેતા. અરે એને તો ક્યાં આપણે તો શું કહીએ આ દાદા માટે યાર, અને કેવી કરી છે કરુણા, કેવી વાણી ને કેટલું બધું, અને શું કેટલી મહેનત કરે દાદા, કેટલી મહેનત કરે, પણ મહેનતમાં ક્યાંય કચાશ ના રહે, ને પતી ગયા પછી ક્યાંય અસરે ના હોય દાદાનું મુખ, દાદાની વાણીમાં પણ. અરે અમને લખાવી લીધેલું આપતા પુત્રોને, બોલતા નહીં આવડે તો ચાલશે, પણ ચારિત્રની પ્યોરિટી જોશે, અને કશાયો ડિસ્ચાર્જ કશાયોની મંદતા હશે થવી જોઈએ, અને ચારિત્ર સંબંધી સેજ પણ ડાઘ પડ્યો તો હું આ સંઘમાં મારું મોઢું નહીં બતાવું. આ દાદા ભગવાને પોતે બોલ્યા અને બધાને કહ્યું કે લખીને લાવો, નીચે સિગ્નેચર કરો. આ શું, આ દાદા ભગવાન શું કરાવે છે, આપતો પુત્રો પાસે લખાવી લીધેલું. આ વાણી કેવી કાઢી હતી, ના ચાલે અમારે અહીંયા, ના ચાલે, એક જ સડેલી કેરી આખા ટોપલાની બધી કેરીઓને સડાવશે, અહીંયા ના ચાલે. લક્ષ્મી સંબંધી કીધું દાદાએ, બ્રહ્મચર્ય સંબંધી કીધું, તમે કેટલું ખાવ છો આખા દિવસમાં લખીને લાવો, કેટલા વાગે ઉઠો છો ને આખા દિવસનું નિત્યક્રમ લખીને લાવો, કેટલી આલોચના બધી આલોચના લખી લાવો, અને જેટલી આલોચનામાં પાછું છુપાવી હોય તો કે ના તે પૂરું નથી લખ્યું, જા ફરી લખી આવો, જા ફરી લખી આવો. શું વાણીથી, શું કલ્યાણ ને વાણીથી, શું દાદા ભગવાને પોતાની ઉગાડી વિતરાગતાના દર્શન કરાવ્યા છે. કારણ કે આટલી બધી ખટપટ, જા તો આખો દિવસ કેટલું ખાય છે, કેટલા કપ દૂધ પીએ છે, ચા પીએ છે, લખી લાય, સવારે કેટલા વાગે ઉઠે છે ને રાત્રે કેટલા વાગે સૂવે છે, એમાં શું શું કરે છે, તારો નિત્યક્રમ લખી લાવ, તને કયા કયા વ્યસન છે એ લખી લાવ, તારી ભૂલોની બધી એક એક ભૂલો લખીને આલોચના કરીને અમને આપી જા. આ દાદા ભગવાન શું કરવા માંગતા હતા, અને વાણી તો અપાર કરુણાથી એક એક આપતો પુત્રો, એક એક મહાત્માઓને વાણીથી એટલું બધું
અમૃત પાયું છે એ વાણીની જ વાતો અને આ પાંચમી કલમ ખૂબ ખૂબ, કારણ કે જરીક વારમાં ઊંધું પડતા આ પ્રકૃતિને વાર લાગતી નથી અને બીજાનું ઉઘાડું બોલવામાં પણ આ પ્રકૃતિને ક્યાંય પણ શરમ નથી આવતી. દાદા બોલે તો પેલાનો રોગ નીકળે અને હું બોલું તો રોગ નીકળવાની વાત તો બાજુએ રહી, એનો ડબલ રોગ થાય અને ઉપરથી એ સામેવાળો નક્કી કરી નાખે કે હવે આ રોગ તારી અંદર પણ ઉમેરીને તને મારા જેવો બનાવીને છું. ત્યાં સુધીનો આ કળિયુગમાં એકબીજા જોડે વેપાર ચાલ્યા કરે છે, દાદાના નામ ઉપર અથવા પોતાની જાતનો ઉપરાણો લઈને આ ચાલ્યા કરે છે. જય સચિદાનંદજી. નિમેશાનંદજી, હાજી હાજી. દાદાનો દેવીલે અહીંયા ભાઈજી દરોગામાં હતો અને મેં યોગેશ આનંદજીને વિલાપ કરતા જોયેલા છે. શું કહેતા હતા ખબર છે? કે આવી વાણી ફરી સાંભળવા નહીં મળે, આવી વાણી ફરી સાંભળવા નહીં મળે. આજે યાદ આવ્યું. જી જી, એટલે કહે છે ને વાણી એ એક ખુલ્લી ખુલ્લો પરિચય આપે છે. હાસ્ય, વાણી, આંખો, વિતરાકતાની ખુલ્લો ઉઘાડો પરિચય. કે જ્ઞાનીની વાણી માલિકી વગરની ના હોય અને જ્ઞાનીની વાણીમાં ક્યાંય પણ સહેજ પણ દાગ ના હોય. એ વાણીને પ્રત્યેક સરસ્વતી દાદા ભગવાને કહ્યું અને એ વાણી તરફ આપણે આગળ વધવા માટે આ નવ કલમમાં પાંચમી કલમ સંબંધી જ્યાં જ્યાં આપણું હજી પણ કાચું પડે છે, ખૂબ કાચું પડે છે અને ખૂબ દુરુપયોગ થતા, કારણ કે સહેજ જાગૃતિમાં ઝોકું આવ્યું અને આ બાજુ ડિસ્ચાર્જ કસાયો, પોતાના પક્ષમાં આખી જાગૃતિ વાપરી જાય. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, ખૂબ સરસ. અને આ તમે જે લાવ્યા એ આપતા પુત્રોને તો આપણા ગ્રુપમાં આ મૂકી દે. ના, તો મૂકવાનું છે. બહુ જ ફાઇન છે. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓ. જય સચિદાનંદ. ઓ એક મિનિટ રજનીભાઈ. જય સચિદાનંદ. બહુત બહુત સુંદર ધન્યવાદ આપ ત્રણે આત્મ પુત્રને આવી રીતના વાદ વિવાદ કરવાનો પાછા ફરી મોકો આપજો. અને બીજું એક ખાસ બધા આપતા પુત્રને વિનંતી કે દાદાજીએ જેમને વાત્સલ્ય પ્રેમની જે એમને પરિવર્તન કરવામાં આવેલું જે યાદ રહે તો પ્લીઝ પ્લીઝ શેર કરજો. નિમેશાજી મને એક યાદ તમારે તો યાદ છે, તમારા વાળની મને યાદ છે, બાકી પ્રદીપ આનંદને બહુ યાદ નથી, પણ મને દીપક આનંદ બહુ યાદ નથી આવતું, પણ મને તમારું વાળનું, દાદાએ જે તમને વાળનું કહ્યું અને બીજે દિવસે તમે જઈને કપાય આવ્યા, એવી આવી વાતો પ્લીઝ આપતો પુત્રને કહેજો કે લખે. લખવાની તો કોઈને બહુ આદત નથી, પણ ખાલી પોઈન્ટ લખે અને આપણે શેર કરતું તો ગજબનું થઈ જાય. જી સાહેબ, જી દાદા ભગવાને તો કઈ કઈ જગ્યાએથી કેવું ઓપરેશન કર્યું છે ને સાહેબ. ખાલી એક વાળ સંબંધી પણ ઓપરેશન કરવામાં ને બોલવામાં બાકી નથી રાખ્યું, કારણ કે વીણી વીણીને અંદરથી એવી ભૂલો કાઢી છે દાદાએ પોતે. અને આટલું બધું નાની નાની બાબતમાં અમારી અંદર એમને તૈયાર કરવામાં આટલી બધી પોતાની સિન્સિયરિટી, એક વાળ સંબંધી, એક આ સંબંધી, કપડાં સંબંધી, તે કેટલા જોડી રાખ્યા છે, કેટલા કપડાં પહેરે છે, રોજ કાઢે છે કે બે ત્રણ દિવસે કાઢે છે. નિમેશાનજી, એક એક વાત મને યાદ આવી. એક આપતો પુત્ર ને એમ કીધેલું, માથું ફાટી જાય તો એ પાન નહીં ખાવાનું. જી સાહેબ, જી સાહેબ, સીધે સીધો કહી દો ને દીપક આનંદજી, સીધે સીધો કહી દો ને સાહેબ. એ વાત રજની દાદા, એ વાત મારા માટે હતી. એ તો દીપકાનંદજી હવે એક એક વાત યાદ કરાવશે પાછી. એ વાત મારા માટે હતી.
તમારું વ્યસન લખી લાવો બધા આપતો પુત્ર ને કહેલું ત્યારે મેં કહ્યું તું દાદા મેં વ્યસન લખીને લાવેલો કે દાદા હું 10-15-20 કપ ચા પીવું છું દિવસમાં મહિનામાં નહીં એક જ દિવસમાં 15-20-25 કપે ચા પીવું અને કોક વાર 15 દિવસે કે મહિને રવિવારના દિવસે હું પાન ખાઉં છું જમ્યા પછી અને પછી દાદા ભગવાને અમારી કોઈની હિંમત નહીં અને પૂછી ના શક્યા પણ દાદાએ કહ્યું માથું ફાટી જાય તો પણ પાન ખાવું નહીં હવે આ બધી વાત છે ને વ્યસન સ્વરૂપે દાદાએ નથી ના પાડી પણ જે વસ્તુ તમારી જાગૃતિને મંદ પાડે ત્યાં આ વાત આમ સીધે સીધો આંખ મોટી કરીને કડકાઈથી દાદા ભગવાને આ વાક્ય બોલેલા એટલે એક્ઝેક્ટ દીપક આનંદજી તે રીતે વાત બોલ્યા અત્યારે માથું ફાટી જાય તો પણ પાન ખાવું નહીં આ તો જે ઓપરેશન થઈ ગયા દાદાની રજની દાદા તમે તો આ વાત કરો છો અમને તો આઈસ્ક્રીમ સંબંધી પણ ચેતવેલા છે ખાવા સંબંધી ચેતવેલા છે અટકણો કાઢી આપી હતી સામે ચાલીને એ ઝૂમ આ સત્સંગમાં બધી રીતે મેં એક યા બીજી રીતે મેં લીધી છે બ્રહ્મચર્ય સંબંધી લોભ સંબંધી માન એટલે કે પૂજાવા સંબંધી આ બધું દાદાએ જ્યારે દાદા ભગવાને ને હું 5,000 રૂપિયા મંદિર પેટે આપવા ગયો તો તું લાવ્યો કઈથી તારા બાપના ચોરેલા લાવ્યો છે તારા બાપને ખબર છે કે તું આપે છે અહીંયા ચોરીને લાવ્યો નથી ને આવી રીતે મારી જોડે વાત કરી હતી સાહેબ વિચાર કરો સાહેબ ત્યારે શરૂઆત મંદિરને આ બીજા બધા માટે પછી દાદા એકવાર બેઠા હતા ને પેરણ સદરો જબ્બો નહીં સદરો લાંબો કર્યો અને જેને આમાં લક્ષ્મી પૈસા મૂકવાય મૂકો લોભની ગાંઠ તૂટી જશે કાયમ માટે જેને મૂકવાય અને એક મિનિટે પૂરી ના થવા દીધી જેણે જે ગજવામાંથી જેટલું હતું ને એ દાદા ભગવાનના પેરણ લાંબુ કરીને એના ખોળામાં બધાય નાખ્યું અને દાદા બે હાથ ભેગા કરીને હવે બંધ થાય છે બંધ થાય છે બંધ થાય છે હવે કોઈ નહીં કોઈ નહીં કોઈને બંધ કરી દીધું પછી દાદાએ કહ્યું કે હવે બધા એક પછી એક વારા ફરતી આવો અને આ લઈ જાઓ તમે કેટલા અંદર નાખ્યા હતા અને એ તમારા દેવસ્થાનમાં મંદિરમાં મૂકજો મારો વારો આવ્યો તો કે તારા ગજવામાં કેટલા મેં તો દાદા એક કઈ નથી તો કે હોય તે બધા નાખી દીધા તો ચોક્કસ તારા નહીં હોય મને કે છે જો તારા હોય તો તે થોડાક રાખ્યા જ હોય અને તે બધા નાખ્યા હોય એવું અમે માનવા તૈયાર જ નથી તું આટલા બધા પૈસા લાયો ક્યાંથી અને તારી હિંમત તો ચોક્કસ તારા કમાયેલા નથી આ જુઓ સાહેબ હવે ત્યારે કમાવાનું ચાલુ પણ થઈ ગયેલું પણ એ કમાવામાં કઈ ભલીવાર નહોતો ત્યારે અને એ લક્ષ્મીમાં ભલીવાર નહોતો એક વાર દાદા ભગવાન મારા ઘરે આવ્યા બીજી વાર આવ્યા ત્રીજી વાર આવ્યા અને પછી દાદા ભગવાનની ગાડીમાં હું બેસવા જતો હતો મેં હાર પહેરાવેલો દાદાએ મને સામે હાર પહેરાવી દીધો પછી દાદા અમારા ઘરેથી બીજે પગલા કરવા જવાના હતા નજીકમાં હું ગાડીમાં બેસવા ગયો તો કે તારે ગાડીમાં નથી બેસવાનું તું કોને પૂછીને ગાડીમાં બેસવા આવ્યો તારે નથી બેસવાનું અને અમારી ગાડીની પાછળ આ જાર પહેરીને તારે પાછળ દોડતા આવવાનું છે રજની દાદા એ એરિયામાં બધા મને ઓળખે બધા જાણે કારણ કે બધા સ્પોર્ટ્સમાં ને બધી રીતે ગ્રુપ બનાવીને બહુ ફેમસ તો મારી હિંમત જ ના થાય કે આજુબાજુ જોવાની કારણ કે કોઈ ઓળખી તો નીકળે ને ગળામાં હાર હતો અને હાર પહેરીને ગાડીની પાછળ દોડું છું તો હું કેવો દેખાવ આ કયો
रोग काढता था अने कईक वार बधा आपतो पुत्रो ने मारी जोड़े पण थयुं छापू लेवा गयो छापाना पैसा आप्या बीजा आपतो पुत्रो ने कहे छे के आने छापाना पैसा आपी दो आने ऊंघ नहीं आवे आ वात अने ब्रह्मचर्य संबंधी तो एके एक ने बरोबर एटले कहे छे ने के दादाए वाणी एवी वापरी छे के रोग बाळी नाख्या छे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद तो दीपक दीपकानंद जी प्लीज तमारा आप तो पुत्र समय के जो क्या बदे नोट्स नो टाइम आवे त्यारे खाली नोट्स लखी ने आवा शेयर कर रहे हो ओके सेम सेम रजनी दादा आप प्रदीप आनंद जी ने पूछी जो जो प्रदीप आनंद जी ने तो केवा केवा प्रसादी मड़ी छे दादा भगवान नी केवी केवी दादा भगवान ने प्रसादी आपी छे एक एक मां ये तो अंदर राखी ने बैठा छे ने खाली दादा भगवान नी दादा भगवान ने याद करीने जीविया करिए छे एना जेवू छे बधानु अत्यारे जय सच्चिदानंद साहेब जय सच्चिदानंद प्रदीप आनंद जी तो नेक्स्ट टाइम तमारो एक्सपीरियंस केवो पड़शे आ बहु एक्सपीरियंस छे एमनी पासे तो तो पछी निमेश आनंद जी ने बोलावीशु तमने प्रॉम्प्ट करवा माटे बहु जमनी पासे बहु बधानी पासे छे खजाना छे साहेब ખરેખર આપણને જાગતા કરે એવા ખજાના છે આના પૈતી વેરી બહુ સરસ કામ લાગશે બધા એટલે દીપકાનજી પ્લીઝ જરા નોટ મોકલી દેજો આપ તો તને ઓકે આપ બહુ સરસ બહુ આજે બહુ આનંદ થયો અને બહુ જાણવા મળ્યું તો પ્રદીપ દાદા આનંદજી શ્રીમંત બોલાવો બને દીપકતા આનંદજી નિમશાને પ્લીઝ ફોલો ઓકે ટાઈમ થઈ ગયો પૂરો ના સોરી સોરી ના ના ટાઈપ તો છે હજી પણ